एक हिंदी पंजाबी मिक्स सॉन्ग है, इसे डांस नंबर, ये डांस नंबर है और वी आर वेरी एक्साइटेड इस सॉन्ग को लेकर। हमें उम्मीद है कि ये गाना हिट जाएगा और ये शादियों में, फंक्शंस में, क्लब्स में बजने वाला गाना है, तो आई थिंक पब्लिक इसको बहुत पसंद करने वाली है। नहीं, आई एम फीचरिंग इन द सॉन्ग, आई एम ए सिंगर ऑल्सो एंड इस सॉन्ग के साथ माई सिस्टर इज ऑल्सो लॉन्चिंग हरसेल्फ इन इंडिया। बेसिकली ये US से आई है, वहाँ पे वो पहले से ही लाइव परफॉर्मेंसेज करती थी, बॉलीवुड सॉन्ग्स करती थी, बट नाउ वी आर लॉन्चिंग हर इन इंडिया, तो शी इज ऑल्सो सिंगर एंड शी इज ऑल्सो परफॉर्मिंग इन दिस सॉन्ग। Talking about you, I mean, what's your profile as such? Are you a singer who just sing the Bollywood songs, or you know, you're a versatile person? I am an entrepreneur. I own production house also, Paperstone Production, जिसके under banner के under ये सब हम कर रहे हैं। हम we are creating short films also, we are creating advertisements also, और मैं singer भी हूँ। Basically एक feature film भी हम बना रहे हैं अपने production के house के under ही, और इसी लेवल के अंडर हम लोग नए नए सिंगर्स को भी चांस दे रहे हैं लॉन्च करने के लिए आगे। तो काफ़ी टैलेंट है इंडिया में जो अफोर्ड नहीं कर पाता रिकॉर्डिंग्स और वीडियो शूट्स, तो हम लोग पेपरस्टोन प्रोडक्शन में हमें ऑप्शन दे रहे हैं कि वो हमें कांटेक्ट करें, अगर उनमें टैलेंट है, क्वालिटी है, तो हम उनको लॉन्च करेंगे, हम उनके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे उनकी ऑडियो और वीडियो के ऊपर। US पे तो काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लाइव भी और डिफरेंट शोज़ में। यहाँ पे फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रही हूँ, इट्स एन एक्साइटिंग थिंग। लाइक पंजाबी सॉन्ग पे पहली बार कर रही हूँ, हिंदी पे तो काफ़ी किया हुआ है, बट या सिंगिंग भी किया है, परफॉर्म भी कर रही हूँ, तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। तो क्या थीम है इस सॉन्ग इज़ अबाउट अ गर्ल, लाइक एक लड़की है जो अपने आप पर बहुत प्राउड फील करती है, कहती है कि बहुत सारे लड़के उसके आगे पीछे हैं, बट वो किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देती है कि मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, आई डोंट बिलीव इन लव एंड ऑल दैट थिंग्स। टॉकिंग अबाउट यू, आप पहले भी डायरेक्ट कर चुके हैं शो वगैरह, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के लेकर? आई थिंक ये मेरा फोर्थ सॉन्ग है, तो एज ए वीडियो डायरेक्टर उससे पहले मैंने फिल्म की थी और टीवी शो किया सक्सेस स्टोरीज, तो वीडियो डायरेक्शन का एक अलग मज़ा है जो कि मुझे फिल्म से उसमें नहीं आ रहा तो लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सॉन्ग मैं कर रहा हूँ ये अब तक का सबसे अच्छा सॉन्ग है जितने मैंने अभी तक सॉन्ग किए हैं, और श्योरली ये बहुत हिट जाएगा। यानी मैं अभी से आइडिया लगा रहा हूँ कि श्योरली हिट है, हर क्लब में, डीजे में बजेगा, जरूर बजेगा। इसका म्यूज़िक बहुत एक्साइटिंग है, बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग म्यूज़िक है, मतलब वो एक ऐसा म्यूज़िक है कि आदमी रुक नहीं सकता है किसी भी हालत में। जिसको डांस नहीं आता ये सॉन्ग उसको भी डांस करवा के रहेगा। We'll be promoting it everywhere. We'll be promoting this song on FM channels. We'll be promoting on digital channels. We'll be also promoting on TV channels. Okay, but basically in the future, what kind of project are you basically going to, you know, back up as a entrepreneur, as a creative person? See, future mein we are working on a feature film. I already told you there is one feature film which is already going on. Shooting chal rahi hai uski. जीले जरा उसका नाम है। बेसिकली दैट मूवी इज़ बेसिकली यू नो हैज़ बीन क्रिएटेड विद कीपिंग समथिंग वेरी डिफरेंट इन माइंड। उसका कंसेप्ट बहुत डिफरेंट है। अभी तक सब जगह पे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम हो रहा था। दिस मूवी जीले जरा इज़ बेसिकली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मेन्स एम्पावरमेंट। इतने सालों से वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ध्यान देते हुए ऐसा लगा कि जैसे जो है ना मेन को छोड़ दिया गया कहीं ना कहीं, और बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं जो एक आदमी की ज़िंदगी में होती हैं जिसके ऊपर ध्यान दिया ही नहीं गया। दिस फिल्म इज़ फोकसिंग ऑन दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर कमिंग अप विद 3 डिफरेंट म्यूजिक एल्बम्स आल्सो। बल्कि मैं फिल्म के बारे में कहना चाहूँगा, अभी कुछ टाइम पहले ना जब सर के कुछ इंटरव्यूज़ आए न्यूज़पेपर वगैरह में, तो यही इन्होंने रखा कि इस फिल्म में हम अपना यानी मैन एम्पावरमेंट को भी थोड़ा बूस्ट करेंगे। तो उसके बाद मैंने देखा एक बार मुंबई में ही मैं जब सर के साथ रुका हुआ था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया कि दिल्ली में सिटी के ऊपर कुछ आंदोलन भी छिड़ चुका है, जिसमें कि कुछ एनजीओज इन्वॉल्व है और कह रहे हैं कि यार जिस तरह वुमेन एम्पावरमेंट है तो मैन एम्पावरमेंट ही होनी चाहिए। तो मैंने तभी सर को बोला, मैं कह लो जी कंसेप्ट तो आपका निकल गया है, कंसेप्ट ऑलरेडी हिट हो गया, क्योंकि ये कोई भी ले जाए, मार्केट की नीड थी बेसिकली, तो ये निकल गया मार्केट के अंदर। जैसे ही हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से सब मार्केट के अंदर आया कि मेंस एम्पावरमेंट क्यों चाहिए, तो उसके बाद हुआ था, उसके बाद दिल्ली में ही मोस्टली ये बूस्ट किया, दिल्ली में इसको बूस्ट मिल गया। उसके बाद कुछ एनजीओज ने इंडिया गेट के ऊपर काफ़ी
प्रदर्शन भी किया है और उसी टाइम पे हुए, बाद में पता नहीं उन्होंने शायद वो बैठ के आराम से कुछ उसके बाद शांत हो गए, पर उस समय काफी हुआ हल्ला उसके बारे में। या डेफिनेटली आई एम गोइंग टू वर्क इन मुंबई, माय विजन इज टू क्रिएट गुड ब्यूटीफुल मूवीज, मूवीज दैट हैज अ सोशल रीजन बिहाइंड एवरी मूवी, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम अ सिंगर ऑल्सो, सो आई विल कीप ऑन कमिंग अप विद न्यू म्यूजिक एल्बम आफ्टर एवरी फ्यू मंथ्स। विनी जी आपसे एक सवाल है, हाँ जी, आप इंटरनेशनल लेवल पे आप शो कर रही हैं, यूएस में आप कर रही हैं, ऐसा क्या आपको खास लगा भारतीय संगीत में जो कि आपको अपने ओर खींचा, और मुंबई में ऐसा क्या खास लगा मुंबई इंडस्ट्री बॉलीवुड जो कि आपको अपने ओर खींचा और यहाँ पे आप आई हैं? मेरा जन्म स्थान यही है, मैं इनिशियली मैं इंडिया से ही हूँ, अभी कपल ऑफ ईयर्स लाइक 10 ईयर्स से बाहर हूँ, बट पेरेंट्स यहीं पे हैं, ब्रदर यहीं पे है, ऑल फैमिली इन लॉज वगैरह सभी हैं, तो कनेक्टेड तो यहीं हूँ ही मैं, वहाँ पर भी करती हूँ बिकॉज वहाँ रह रही हूँ, तो मुझे अपना पैशन कंटिन्यू करना था तो वहाँ पे किया, बट अल्टीमेटली आई वांट टू ग्रो इन दिस एरिया, यहाँ पे अपने इंडिया के लोगों के लिए आई वांट टू क्रिएट सम एंटरटेनमेंट लाइक वीडियोस और व्हाटएवर एंटरटेनमेंट क्रिएट करना चाहती हूँ। क्या एक डिफरेंस क्या है, एक वर्ल्ड म्यूजिक को भी आप अच्छे से समझ चुकी होंगी और एक भारतीय म्यूजिक को अभी जो वर्तमान दौर है दोनों आप देख रहे हैं, क्या ऐसा खास मतलब दोनों में डिफरेंस आपको क्या दिखे? वहाँ पे भी मैंने बॉलीवुड म्यूजिक को ही इंपॉर्टेंस दिया है, मोस्टली वहाँ पे भी बॉलीवुड म्यूजिक ही कंटिन्यू किया है, सिंगिंग का भी परफॉर्मेंस का भी मोस्टली सारा बॉलीवुड का कंटिन्यू किया है। म्यूजिक एल्बम्स हिंदी भी पंजाबी है, बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब तो पंजाबी से ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ मैं, कोशिश रहेगी पंजाबी एल्बम्स खूब निकालूँ बिकॉज पंजाबी म्यूजिक ही ऐसा है जो सबको बहुत पसंद आता है, किसी भी स्टेट में जाओ कहीं भी जाओ, इनफैक्ट यूएस में भी एवरीवन लाइक्स पंजाबी म्यूजिक, पंजाबी सॉन्ग्स तो वहाँ पे भी बहुत पॉपुलर है, तो पंजाबी यूएस कनाडा यूके ये भरा हुआ है पंजाब से देखा है, पंजाबी सॉन्ग्स पे चाहे समझ आए चाहे ना आए दे ऑलवेज रेडी टू डांस ऑन पंजाबी म्यूजिक है। तो मैडम आपसे चलते चलते ये भी जानना चाहेंगे कि ये म्यूजिक जो वीडियो आ रहा है ये खास करके किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट किया गया है? इससे डांस नहीं, इससे डांस नंबर है मोस्टली, हमारा टारगेट है हर इंसान को नचाना, हर इंसान को एंटरटेन करना, हर इंसान को एक मूड में लेके आना, गाने की नाचने की कोई उम्र नहीं है, कोई भी किसी उम्र में भी एंटरटेन हो सकता है। आज जो पिक्चराइज हो रहा है यहाँ पे ऑन लोकेशन शूट हो रहा है वो कुछ थीम उसके उसका थीम बताएंगे क्या चल रहा है पीछे, यहाँ जो आप अभी शूट कर रहे थे उसका थोड़ा थीम बताएंगे क्या चल रहा था अंदर? देखिए उसका पर्टिकुलरली हमने थीम ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया, वो एक डांस नंबर ही है तो डांस में कोई भी थीम नहीं हो सकता, आप उसमें कुछ भी ला सकते हो, डांस में भी बहुत तरह की वैरायटीज हैं, तो इसमें ये पर्टिकुलर डांस नंबर है तो इसमें डांस को ही प्रमोट किया गया ज़्यादा, और वैसे भी डांस की ऑडियंस वर्ल्ड वाइड है, डांस का कोई वो कोई ऐसा है नहीं। सीक्वेंस होगा हाँ, देखिए सीक्वेंस पे व्हाइट हाउस में शूट कर रहे हैं हाँ, तो कुछ सीक्वेंस होगा एक्चुअली कुछ इसमें हमको ऐसी लोकेशन चाहिए थी जो व्हाइट हाउस में जो कवर हो सकती थी, और इसमें क्या था कि हमने वाइन सर को भी इन्वॉल्व किया था क्योंकि ऑलरेडी इनके 2 सॉन्ग हिट हो चुके हैं, तो हमको जो सीक्वेंस क्रिएट करना था वो इसी जगह पे ही मिल सकता था, इसमें सारी लोकेशन थी तो इस वजह से यहाँ किया गया व्हाइट हाउस में, बाकी इसमें कोई ऐसा स्टोरी बेस्ड कुछ हमने कनेक्ट नहीं किया जिसका कुछ हम थीम डिसाइड करते चलते। और आपसे सर एक सवाल पूछना चाहेंगे कि 4 दिन पहले आपके कोई गाने रिलीज हुए हैं जो मिलियन क्रॉस कर गए हैं, जो मेरी लास्ट एल्बम है, फर्स्ट एल्बम मेरी डायमंड वर्गी थी जो टी सीरीज से रिलीज हुई थी, वो भी एक अच्छी हिट एल्बम थी, वो एक डांस नंबर था, तो थोड़ा सा सेकंड एल्बम में थोड़ा सा मैंने डिफरेंट रास्ता लिया, सेकंड जो सॉन्ग बनाया वो एक लव सॉन्ग बनाया एब्सोल्यूट कुड़िए, तो उसमें एक लड़की की तारीफ है कि एक लड़का उससे कितना प्यार करता है और क्यों करता है, वो गाना काफ़ी हिट हुआ है, 6 दिन के अंदर ही वो 1 मिलियन पहुंच गया, सो आई एम वेरी हैप्पी, पीपल आर लाइकिंग इट, हज़ारों कमेंट आ रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम कमेंट बहुत ही अच्छे हैं, लोग यही कह रहे हैं कि हमें म्यूज़िक भी बहुत पसंद आ रहा है, हमें वीडियो भी बहुत पसंद आ रही है, लोग शेयर कर रहे हैं, सबसे बड़ा सक्सेस मैं इसी चीज़ को मानता हूँ कि लोग कितने लोग उसको देख कर पसंद कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, अगर एक इंसान सिर्फ खुद देखता है और चला जाता है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आदमी को आपने इतना मजबूर कर दिया कि वो देखने के बाद वो अपने दोस्तों से शेयर कर रहा है तो मैं उसको एक बड़ा अच्छा सक्सेस रेट मानता हूँ। तो कुछ अपील करना चाहेंगे दर्शकों से जो आपके दर्शक हैं देख रहे हैं दर्शकों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जैसे प्यार दे रहे हैं देते रहें, मैं वादा करता हूँ कि जिस तरह से मेहनत करके उनको अच्छी वीडियोस दे रहा हूँ मैं देता रहूँगा, और अगर उनके सर्कल में कोई ऐसा सिंगर है जो लॉन्च करना चाहता है खुद को जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो पेपरस्टोन प्रोडक्शंस को कनेक्ट करे, हम कमिटेड हैं, हम उनसे सपोर्ट करेंगे, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग से लेके वीडियो रिलीज तक का सारा खर्चा हम उठाएंगे। सर ऐसी क्या खास बात है गुरुदेव अनेजा जी के साथ जो आपके डायरेक्टर हैं ये तीनों सीरीज के साथ लगातार आप उनके साथ काम कर रहे हैं, ऐसा क्या खास वजह है?
देखो ये तो दिल दिल मिलने और सोच मिलने की बात होती है, गुरुदेव जी और मेरी सोच बहुत मिलती है और ट्रस्ट है, पुराना रिलेशन है और सबसे बड़ी बात है कि मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं पेपरस्टोन प्रोडक्शन में, ही इज़ माय पार्टनर। और सबसे मेन बात तो सोच मिलने की होती है, हमारी सोच एक ही है, हम विज़न एक है हमारा, हम जो कुछ सोचते हैं एक प्लानिंग बनाते हैं, जब ये एक प्लानिंग बनाते हैं कि ये गाना इस तरह से मैं प्लान कर रहा हूँ तो मेरे को सबसे बड़ी खुशी होती है कि अब मेरे को इसमें कोई इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सोच पूरी मेरे से मैच करती है, तो मेरे को इसलिए कोई ज़रूरत फील नहीं होती किसी दूसरे की। पंजाबी संगीत में एक रिवोल्यूशन आया, हनी सिंह आए, उसके बाद मिका आए, तो इसके बाद से बहुत सारे रीजनल म्यूजिक आज के डेट में ऐसे जिसमें रिवोल्यूशन की ज़रूरत है, वो सुधार और वो म्यूजिक की जरूरत है, उनके लिए भी कुछ आप करेंगे रीजनल म्यूजिक के लिए? अगर कोई हमें अप्रोच करता है इसमें तो वी आर हैप्पी टू सपोर्ट। यही था अभी पेपरस्टोन म्यूजिक पे हमने एक क्लासिकल सॉन्ग लॉन्च किया, अनिशा सिंगर थी उसकी, तो वो सॉन्ग जब हमारे पास आया था तो हमने यही सोच के उसको देखा कि यार कम से कम म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ नया आ रहा है, कुछ नया आ रहा है। वो एक तरह का फोक सॉन्ग है जिसको हमने लॉन्च किया है, काफी मीठा सॉन्ग है, आप पेपरस्टोन म्यूजिक पे जाके सुनेंगे तो यू विल लाइक इट। वो कोई डांस नंबर उस तरह का नहीं है उसमें भी, अभी अभी लॉन्च किया है, तीन दिन चार दिन हुए और उसमें भी 1 लाख से ऊपर व्यूज आ गए हैं, कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, तो शायद उनके साथ भी अभी और सॉन्ग करेंगे। सर आपके लिए डायरेक्टर सर गुरुदेव जी आपके लिए सवाल कि इब्ने फितूता जैसी सफल फिल्म बनाने के बाद आप म्यूजिक वीडियो की तरफ रुख कर गए, इसकी कोई खास वजह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैं ना सिंपल सी एक बात है कि वैरायटी चाहता हूँ अपने काम में। इब्ने फितूता फिल्म थी, उसके बाद मैंने टीवी शो भी किया था जी बिजनेस के लिए शेखर सुमन जी के साथ, सक्सेस स्टोरीज, बहुत वो भी बहुत अच्छा गया था। उसके बाद फिर हमारे कुछ इवेंट्स चल रहे थे कॉर्पोरेट, उसके बाद कंटिन्यू टीवी एड्स तो कंटिन्यू आ रही थी मेरी, तो फिर टीवी एड्स के बाद मैंने सोचा कि यार अब वीडियो इंडस्ट्री जो है खासकर पंजाब में वो बहुत ग्रूम कर रही है और पंजाब के ही सॉन्ग जो है वो बॉलीवुड में जा रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि यार ठीक है अब वीडियो इंडस्ट्री में भी मैं एज ए वीडियो डायरेक्टर जाता हूँ और उसको भी वर्कआउट करके देखूंगा साथ साथ में, लेकिन मूवी पे भी काम चल रहा है, ही इज डायरेक्टिंग जिले जरा, उस पर भी चल रहा है काम, वो भी एक्सपेक्टेड है शायद हम उसको जून जुलाई तक उसको रिलीज कर पाएंगे। ये आपकी प्रोडक्शन हाउस बना रहा है, गुरुदेव जी डायरेक्टिंग देखते फिल्म। आखिरी सवाल चलते चलते दो लाइन गुनगुना दे जो अंदर चल रहा है, पिक्चराया जा रहा है, मैम का सॉन्ग है, मैम गाएंगी। अख मेरी हथ दे मिसाइल जोड़िया मुंडिया नु चक्कर च पाउंदी, क्लब विच डीजे दे वी जहां सुकदे जद भीड़ उत लक लचकाउंदी। बाकी सॉन्ग YouTube पे है, बाकी सॉन्ग रिलीज होने के बाद सुनना, थोड़ा सस्पेंस रखना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक इट्स अ म्यूज़िक वीडियो, तो जो दिनेश जी हैं उन्होंने मुझे बताया था इसके बारे में कि आके एक बार मीटिंग कर लो, तो मैंने मीटिंग की वाइन जी के साथ, वाइन अरोरा, इन्होंने मुझे सेलेक्ट किया वीडियो के लिए, तो आई लाइक द सॉन्ग, तो जस्ट सेलेक्टेड एंड आई एम हियर। आप पहले अपनी इंट्रोडक्शन दो। ओके, मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ। हाय, आई एम प्रिया, माय नेम इज़ प्रिया, इट्स प्रिया रोर। सो बिफोर दैट आई हैव डन सम हिंदी मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़ और म्यूज़िक वीडियोस भी मैंने किए हैं, तो अभी इनसे मैं मिली हूँ, ये गाना मुझे इसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ है और गाना मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, तो दोनों तरफ से डन किया, तो नाउ वी आर हियर। Actually, we were looking for a very pure, bubbly and smiling face, a beautiful face. So we did auditions, और उसमें मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था काफ़ी लोगों का, when I saw her, she was a perfect person for this particular video. तो immediately हमने first shot में हमने इनको select कर लिया। पहले मैंने हिंदी बॉलीवुड फिल्म्स की हैं, कोका कोला, और एक और फिल्म की है टेंटेटिव नेम इज़ बोस आया, मे बी उसका नाम शायद चेंज हो जाएगा, अभी बात चल रही है, शायद फैब और मार्च तक रिलीज़ हो जाएंगी, तो लेट्स सी। एक वेब सीरीज़ किया था पहले, या आई हैव डन वन वेब सीरीज़ आल्सो। See, in Paperstone, like I already told you, that we have done a short film, we have done few music albums, we have done TV shows, we have done TV ads as well. Abhi future mein we are coming up with one feature film, Jile Jara, jiski shooting already start ho chuki hai. Aur iske siwa we are coming up with few music albums, jo meri khud ki hain. Iske siwa
वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन म्यूजिक एल्बम्स फ्रॉम अदर सिंगर्स. जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पेपर स्टोन इज़ डेडिकेटेड टूवर्ड्स न्यू सिंगर्स जिनको लॉन्च करना है. बेसिकली नॉर्थ साइड से काफ़ी अच्छे टैलेंट है जो लॉन्च होना चाहता है, लेकिन उनके पास या तो फंड्स की शॉर्टेज है या फिर उन लोगों के पास लिंक्स नहीं है. तो पेपर स्टोन प्रोडक्शन इज़ वेलकमिंग ऑल दोज सिंगर्स टू कम टूवर्ड्स अस एंड वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन दैम. वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन देयर रिकॉर्डिंग्स, ऑन देयर शूटिंग्स एंड एवरीथिंग. दे विल बी लॉन्च अंडर बैनर ऑफ पेपर स्टोन प्रोडक्शन. So this is main thing which Paperstone is working on. Thank you so much. Thanks.